हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं फिर से लेके आई हूँ आपके लिए एक नया सा हेयर स्टाइल और इजी सा हेयर स्टाइल। तो चलो गाइस, जल्दी शुरू करते हैं। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको निकाल लेनी है बीच की मांग, मतलब पूरी नहीं निकालनी है, आपको छोटी निकालनी है। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको अपनी ईयर तक लेने हैं बाल, और जो आपने सेक्शन अभी बनाया है उसे आपको कर देना है दो पार्ट्स में डिवाइड, जिस तरीके से आप वीडियो में देख पा रहे हो। उसका तो करना क्या है, जिस सेक्शन को आपने दो पार्ट में डिवाइड करा है, अब जो दो सेक्शन बने हैं उनमें से आपको लेने हैं छोटे छोटे पार्ट, जैसे कि से मैं ले रही हूँ, और एक दूसरे के ऊपर आपको करना है क्रॉस, यानी कि कट क्रॉस करना है, जैसे मतलब खजूर चोटी में करते हैं ना, सेम खजूर चोटी की तरह ही आपको करने हैं। और आपको बस आप देख चाहिए और बनाते जाइए। अगर आपको नहीं आता है, वैसे तो आपको आता होगा, पर अगर नहीं आता है तो बस आप वीडियो को ध्यान से देखिए और आपका हेयर स्टाइल बनेगा। और ये जो हेयर स्टाइल है बहुत ज़्यादा ईजी है, और ये जो हेयर स्टाइल वो किसी भी ड्रेस के साथ वो आराम से चल जाएगा, चाहे आप वेस्टर्न ड्रेस पहन रहे हो या फिर आप इंडियन ड्रेस पहन रहे हो। तो ये हेयर स्टाइल काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। तो गाइस, बस आप देखते रहिए। तो इस तरीके से आपको बनानी है अपनी चोटी। और गाइस, आप देख रहे हो मैं किस तरीके से सेक्शन ले रही हूँ, और मतलब किस तरीके से मैं बना रही हूँ। तो बस गाइस, आपको इतना ही करना है, और फिर आपको बांध लेनी है रबर बैंड, वो भी ब्लैक वाली बांधनी है आपको, ठीक है। फिर आपको करना क्या है, आपको जो आपने कभी खजूर चोटी बनाई है ना, उसको आपको खींचना है, ताकि उसमें थोड़ी वो वॉल्यूमनाइज हो जाए और आपकी चोटी जो है वो अच्छी लगे। तो आपको इस तरीके से आपको क्या करना है, आपको जो बाल है ना वो खींचने हैं, जिस तरीके से आप मेरी वीडियो में देख पा रहे हो, इस तरीके से आपको खींचने हैं। तो ज़्यादा मत खींचेगा वरना सारे बाल बाहर आ जाएंगे, हल्के हल्के खींचना है। तो देखिए, मेरी चोटी मोटी हो गई है। और फिर आपको करना क्या है, आपको पीछे उसे लगा लेना है, उसमें हर क्लिप वगैरह आपको लगा लेने हैं, ब्लैक क्लिप लगाना। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको दूसरी साइड से भी आपको सेम वैसा कर लेना है, जिस तरीके से मैंने आपको अभी दिखाया। अगर मैं आपको वैसा दिखाती तो फिर थोड़ी वीडियो लंबी हो जाती, इसलिए मैंने वो बना लिया था। और आपको भी इस तरीके से बनाना है। और आपको फिर करना क्या है, आपको अपनी साइड में से जितने भी बाल हैं आपके पीछे से, आप उन सबको एक साथ लाइए अपनी साइड के साइड में। और साइड में लाने के बाद आपको उन्हें करना क्या है, आपको उन्हें अच्छे से कॉम करना है, सुलझा लीजिए उन्हें अच्छे से, ताकि वो उलझे ना। और फिर आपको फिर से करनी है आपको खजूरी चोटी, यानी कि आप कह सकते हो इस चोटी का जो बेस है वो मतलब खजूरी चोटी है, क्योंकि ये चोटी हमने जैसे ऊपर बनाई तो उसमें भी खजूरी बन रही थी, और हम नीचे कर रहे हैं तो ये भी खजूरी बन रही है। तो गाइस, आप लोग देख रहे हो, वही आपको कट क्रॉस करना है, खजूरी चोटी बनानी है। और फिर आपको करना क्या है, बस आप देखती है लास्ट तक आपको ऐसे करना है। तो ये चोटी बहुत प्यारी लगती है और सिंपल सी भी है, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा ईजी है। तो बस गाइस, आपको करना क्या है, हमारी चोटी तो कंप्लीट हो चुकी है, बस आपको अपनी रबर बैंड लगा लेनी है। लेकिन रुको रुको, अभी ज़रा आगे देखो। अब आपको करना क्या है, जो आपने अभी खजूर चोटी बनाई, जैसे आपने ऊपर खींचा था ना, वैसे ही आपको सेम नीचे से बाल भी खींचने हैं। तो इससे जो आपकी चोटी है, मैं फिर से बोल रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी, और थोड़ी इसमें वॉल्यूम भी आ जाएगी, और थोड़ी छोटी मोटी भी लगेगी, थोड़ी पतली लगे थी ना इसलिए। और अगर आप बाल पतले हैं तो आप ये ट्रिक आराम से कर सकते हो। तो गाइस, चोटी बन गई, हो चुकी है रेडी बिल्कुल, और आप लोग देख सकते हो मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।